हेलो गाइस, स्वागत है आप लोग का एक नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को दिखाऊंगा कि GTA KORN जो भी हो उसका नाम, 50 या 70 कार्स, जो बड़े बड़े कार पैक्स होते हैं, एड ऑन कार पैक्स, उनको कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं आप। जैसे कि 50 कार्स 70 कार्स आपको ये सब मिल जाएंगे GTA5mods.com में। ये सब कार के लिंक, कार मॉड्स के लिंक मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा इन मॉड्स के लिंक। तो इनको कैसे डाउनलोड करना है चलिए वो देखते हैं। अभी उसके लिए तो सबसे पहले जो सबसे एसेंशियल है वो है ओपन आईवी। ओपन आईवी नहीं होगा तो आप लोग को बहुत दिक्कत होगी। उसके लिए आपको पहले विंडोज सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद आपको अपने GTA 5 के डायरेक्टरी को ब्राउज करके जाना पड़ेगा। अभी ये क्यों एरर दिखा रहा है पता नहीं, शायद मैंने नाम चेंज किया होगा फोल्डर का। तो मेरा GTA 5 है एपिक स्टोर के फोल्डर में, तो मैं उसको फटाफट निकाल के उसको ऐड कर दूंगा। इधर एपिक स्टोर, उसके बाद GTA 5। तो वैसे करके हम लोग ऐड करना है पहले GTA 5 को ओपन आईवी में। और ये ऐड होने में थोड़ा टाइम लगेगा, इंस्टॉलेशन भी हो रहा है शायद किसी का। तो इधर आप देख सकते हैं कि सक्सेसफुली GTA 5.exe वर्जन ओपन आई वी कैन वर्क विद दिस फाइल। तो फिर आपको कंटिन्यू में क्लिक करना है, उसके बाद फिर आपको ओपन आई वी, अच्छा नहीं अभी नहीं चाहिए, आपको दिखाएगा ओपन आई वी स्टार्ट हो रहा है और आप ये आ चुके हैं ओपन आई वी में। तो अभी इधर दिखाएगा ASI मैनेजर, इधर एक स्मॉल टिक जैसा होगा, इधर देखिए मेरा कर्सर जिधर है उस पर आपको क्लिक करना है और ये जो तीनों फाइल्स हैं उनको इंस्टॉल कर देना है। यस पे क्लिक करना है और इस पे क्लिक कर देना है। तो ये सब इंस्टॉल होने के बाद आपके गेम के फोल्डर में, मेन फोल्डर में आपको जाना है। इधर एक मॉड्स फोल्डर होगा, उधर आपको अपडेट फोल्डर में जाके update.rtf को कॉपी एंड पेस्ट करना पड़ेगा। इधर मैं update.rtf को कॉपी पेस्ट कर दूंगा। मीनवाइल ये जब पेस्ट हो रहा है तब हम एक नया फोल्डर क्रिएट करेंगे जिसका नाम हम रखेंगे F64। उसके अंदर जाके हम और एक न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे जिसका नाम रहेगा DLC packs। सारे स्मॉल में होने चाहिए, जैसा मैं लिखा हूँ वैसे ही लिखे आपको। ये अभी एम्प्टी है, इसमें कुछ डालना नहीं है। तो update.rpf इधर कॉपी हो चुका है। तो अभी हम लोग को ओपन आईवी में जाना है और फिर एडिट मोड सिलेक्ट करना है। अभी डाउनलोड फोल्डर में जिधर भी आप डाउनलोड किए हैं, मेरे पास एड ऑन कार पैक जो है ये है GTA 5 कॉन का, वो मॉड्स बनाते हैं अच्छे अच्छे तो उनका मेरे पास कार मॉड्स है। तो इसमें आपको 50 कार्स मिल जाएंगे। आप पहले डीलिंग पढ़ लीजिएगा कि उधर बहुत इंफॉर्मेशन दिया रहता है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। और एड ऑन ओपन आई वी, अच्छा इधर पहले पढ़ लेते हैं। इधर आप लोग को पाथ वगैरह सब मिल जाएगा पर अभी ज़रूरत नहीं है हमें रीडमी का, इसको मिनिमाइज कर लेते हैं। अभी एड ऑन ओपन आई वी पे जाना है हम लोग को। उसके बाद एड ऑन ओपन आई वी पे क्लिक करने के बाद ऐसा एक फाइल आएगा .oiv वाला फाइल, उसको आपको सिंपली डेस्कटॉप पे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। ये फाइल ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये फाइल कुछ 2 या 1.25 GB का फाइल है, ज़्यादा बड़ा फाइल नहीं है। उसके बाद आपको इधर ऐसा ब्लॉक्स टाइप का लिख दिख रहा होगा आप लोग को, मेरा कर्सर जिधर है, पैकेज इंस्टॉलर, तो इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको डेस्कटॉप पे जाना है या फिर आप जिधर भी इसको सेव किए हैं ये कार पैक को, फिर आपको उस फाइल पे डबल क्लिक करना है। उसके बाद ऐसा आएगा, आप इधर पढ़ भी सकते हैं कुछ अगर होगा इंफॉर्मेशन वगैरह। तो ये वर्जन 1.3 है इसका, जो कि लेटेस्ट है अभी। तो कभी कभी क्या होता है कार पैक्स जो होते हैं वो आउटडेट हो जाते हैं और
इंस्टॉलेशन में दिक्कत आता है, गेम ओपन करते हो तो क्रैश होता है वगैरह वगैरह, बहुत प्रॉब्लम आते हैं। तो मैं रेकमेंड करूंगा कि ज़्यादा पुराने जो कार मॉड होते हैं उनको डाउनलोड नहीं करना, वो कभी कभी आपके गेम को करप्ट भी कर सकते हैं। तो इसको आप सिलेक्ट लोकेशन टू इंस्टॉल गेम फोल्डर पे आपको क्लिक नहीं करना है, वैसे भी ये आपको आपके लिए ब्लॉक्ड रहेगा। और आपको मॉड्स फोल्डर पे क्लिक करना है, उसके बाद इधर इंस्टॉल रहेगा। आप एक बार देख लीजिएगा गेम पाथ क्या है, इंस्टॉल लोकेशन, पैकेज का नाम, फिर इधर आपको इंस्टॉल पे क्लिक करना है। फिर ये इंस्टॉल होने में टाइम लगेगा, तब तक हम रीड भी पढ़ लेते हैं। हाउ टू डी इंस्टॉल, आप लोग को अभी एक्सट्रैक्ट, ओके अभी तो हम लोग को अनइंस्टॉल करने का अभी हमारे पास, बाद में हम बात करेंगे अनइंस्टॉल करने के लिए। अभी अनइंस्टॉल हमको नहीं करना है, अभी इंस्टॉलेशन अनइंस्टॉल कैसे करना है मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो आप इधर देख सकते हैं 48 कार्ड इधर मिलता है, मतलब तो ये शायद और नया होगा क्योंकि मैं जिसको डाउनलोड किया था वो उसमें 55 कार्ड थे, अभी अपडेट होकर कुछ कार्ड हट गए इससे, दैट्स स्ट्रेंज। और अभी इसको क्लोज कर देंगे, अभी इंस्टॉलेशन सक्सीडेड, अभी ये इंस्टॉलेशन हो चुका है। आप अगर गेम ओपन करेंगे, मेन्यू डालेंगे, मेन्यू जो ट्रेनर होता है उससे आपको हो जाएगा, ये उससे आप ये गाड़ी स्पॉन कर सकते हैं। अभी सेकंड स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, अभी हम लोग नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। उसके लिए आप लोग को जाना पड़ेगा अपने गेम के मॉड्स फोल्डर पे, मतलब मेन जो डायरेक्टरी है गेम का उस पे जाना होगा। और उधर आपको हीप एडजस्टर और पैक फाइल लिमिट एडजस्टर ये आपको डालना पड़ेगा। और एक गेम कॉन्फ़िग भी है जो कि मेरे पास अभी नहीं है करेंटली उसका लेटेस्ट वर्जन, तो मैं आपको डाउनलोड करके उसको भी कैसे इंस्टॉल करना है मैं आपको वो भी बता दूंगा। तो अभी फ़िलहाल आपको ये जो हीप एडजस्टर है इसको आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है आपके गेम के मेन फोल्डर पे, और पैक फाइल लिमिट एडजस्टर को भी आपको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है सिंपली। और अभी सेकेंड बात है स्क्रिप्ट हुक, ये मेन चीज़ है, मतलब ये नहीं रहेगा तो काम ही नहीं करेगा ठीक से। तो स्क्रिप्ट हुक में आपको पहले स्क्रिप्ट हुक वी जो है वो, उससे आपको बिन फोल्डर में जाना है, उसका जो विनरार RAR फाइल खोलने के बाद, कंप्रेस फाइल खोलने के बाद आपको DINPUT8.DLL वाली जो दो फाइलें हैं, आपको नेटिव ट्रेनर ASI डाउनलोड करने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम लोग एक और ट्रेनर यूज़ कर रहे हैं जिसका नाम है मेन्यू। अगर आप चाहते हैं तो नेटिव ट्रेनर भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैं रेकमेंड करूँगा कि मेन्यू को यूज़ करें, वो मेरे लिए तो ज़्यादा अच्छा रहा। तो उसके लिए आप लोग को पहले करना पड़ेगा स्क्रिप्ट हुक वी को सिलेक्ट, उसके बाद DINPUT8.DLL, और फिर उसको आपको गेम के मेन फोल्डर पे ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ेगा। अभी आपको अगर दिखाएगा कि रिप्लेस द फाइल इन द डेस्टिनेशन, आपको सिंपली रिप्लेस कर देना है, वो कुछ नहीं करेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है उसमें। एंड अभी मैंने क्यों कर रहा है सर, हाँ अभी अब देख सकते हैं हमारा फाइल इधर आ चुका है स्क्रिप्ट वी वाला, इधर आप देख सकते हैं DINPUT8 वगैरह ये सब आ चुका है इधर, और स्क्रिप्ट हुक बी डॉट डी एल एल इधर है। अभी नेक्स्ट आपको जाना है स्क्रिप्ट हुक बी डॉट नेट, इसको बंद करो यार, क्या करता है पॉपअप से, नहीं खरीदना मेरे को डॉटर फालतू में फोर्स करते हैं खरीदने के लिए, तो क्या यार छोड़ो अभी मैं फालतू के टॉपिक में आ गया। तो अभी हम लोग को मेन चीज करना जो कि है ये स्क्रिप्ट हुक वी डॉट नेट का ASI जो दो तीन XML ASI ये सब जो जितने भी फाइल्स हैं, मैं क्यों बोल रहा हूँ फालतू में, ये जो छह फाइल्स हैं इनको आपको मतलब सिलेक्ट करना होगा, और उसके बाद आपको इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना होगा आपकी गेम की मेन डायरेक्टरी, इसको सबको सिलेक्ट करना है सारे छह फाइलों को, फिर उन्हें ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है सिंपली। अभी नेक्स्ट हम आते हैं मेन्यू जो कि मेन है ट्रेनर जो भी उसको मतलब बोलते हैं, ट्रेनर ही तो बोलते हैं। तो अभी हम अपने डाउनलोड्स के फोल्डर में जाएंगे,
तो उधर हम लोग को मैंने डाउनलोड किया था मेन्यू SP करके एक आएगा, अगर आप उसको डाउनलोड करेंगे, मैं मेन्यू का जो डाउनलोड लिंक है मैं उसको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो मेन्यू SP पे आपको डबल क्लिक करना है, ये फाइल आएगा .zip वाली फाइल, उसके बाद आपको menu.asi और menu.stuff जो है इसको आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ेगा गेम के मेन फोल्डर, उसके बाद आपको ये क्लोज कर देना है। और आपका गेम अभी मॉड हो चुका है, अभी आप अगर गेम में जाएंगे आप ये सारे कार्ड स्पॉन कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। पर मैं एक चीज रेकमेंड करूंगा, आप लोग भी कर लीजिएगा, ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कि जो एड ऑन स्पॉनर है, ये आप जो भी गाड़ी एड ऑन किए हैं वो स्पॉन करने में बहुत मतलब आसानी होता है। जैसे अगर आप लैम्बोर्गिनी सियान या फिर लैम्बोर्गिनी सेंटेनारियो स्पॉन करना चाहते हैं, आपको सिंपली सर्च करना है, वो इजीली स्पॉन हो जाएगा। और कभी कभी क्या होता है, अगर आप मेन्यू पे कुछ DLC गाड़ियां हैं आप अगर उनको स्पॉन करना चाहते हैं, वो डिजपियर हो जाते हैं अचानक से स्पॉन होने के बाद, तो उसको भी ठीक करने के लिए आपको एड ऑन स्पॉनर सिंपली इंस्टॉल करना है। तो एड ऑन स्पॉनर मैंने एक्सट्रैक्ट करके रख दिया है। एड ऑन स्पॉनर कैसे, एड ऑन स्पॉनर का जो डाउनलोड लिंक है वो भी आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसको अभी हम लोग को सेलेक्ट करना है और गेम की जो मेन डायरेक्टरी है उस पर हमको पेस्ट कर देंगे इसे। मैं फटाफट से गेम का मेन डायरेक्टरी खोल लेता हूँ, किधर गया, हाँ इधर है GTA 5, इसको हम इधर साइड में रख देते हैं। मेरा क्लूटू अभी डाउनलोड हो रहा है, इतने दिन बाद क्लूटू खेलूंगा। एड ऑन स्पॉनर के ये दो फाइल आपको सिलेक्ट करके सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, तो आपका गेम अभी मोड हो चुका है सही तरीके से, तो आप खेल पाएंगे विदाउट एनी प्रॉब्लम। और एक भी कार पैक है जो कि 50 कार्स वाला पैक है, उसका भी डाउनलोड लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो अभी इसको हम अपने डेस्कटॉप पे ला देंगे, अभी हम फाइल को बोलेंगे अपडेट, अपडेट डॉट RPF कॉमन डेटा रीड सीरीज डॉट XML DLC packs। ओके, तो आपको इधर पढ़ लेना है ये चीज, जो ये लाइन हमको कॉपी करके पेस्ट करना पड़ेगा DHCDS.XML फोल्डर पे। तो फटाफट वो कर लेते हैं, हमको पहले तो अपडेट फोल्डर पे जाके X64 पे क्लिक करना है, उसके बाद DLC packs में, उसके बाद 420v1ub कुछ ऐसा फाइल होगा जो DLC.RPF वाली फाइल, उसको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करना है आपको डेस्कटॉप पे। वो थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि वो थोड़ा बड़ी फाइल है। ओके, आई डोंट वॉन्ट टू अबाउट मी करेंट ऑपरेशन, इसको हम होने देते, तब तक हम OpenIV ओपन करते हैं। OpenIV में आपको जाके मॉड्स फोल्डर पे जाना होगा, अभी अपडेट डॉट RPF ये अपडेट फोल्डर फिर से आ चुका है, दैट स्ट्रेंज। तो ये प्रॉब्लम कभी कभी होता है अगर आप इंस्टॉलेशन डायरेक्ट करते हो, ये जो फाइल्स होते हैं डॉट OIV वाले फाइल्स, तो वो एक अपडेट फोल्डर अपना नया बना लेती है, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ये डॉट OIV वाली फाइल है तो ठीक है, अभी दो फाइल हो चुके हैं हमारे पास X64 के, तो नो प्रॉब्लम। अभी हम GTA 5 में जाएंगे मॉड्स, अभी आप देख सकते हैं इधर फिर से एक अपडेट का फोल्डर बन चुका है जो कि हमको नहीं चाहिए, तो हम सिंपली अपना जो था अपडेट डॉट RPF, क्योंकि उसमें अब तक कुछ हमने किया नहीं है, उसको सेलेक्ट करके डिलीट कर दो। और फिर इधर अपडेट X64 DLC packs में हम देख सकते हैं हमारा ये हो चुका है, कार पैक एक इंस्टॉल हो चुका है। अभी हमारा फाइल पे एक्सट्रैक्ट हो चुका है DLC.RPF वाला जो सेकेंड कार पैक है वो, उसको आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है DLC packs के अंदर सिंपली, कोई झमेला का बात नहीं है। उसके बाद आपको OpenIV ओपन करना है, अपडेट पे जाना है मॉड्स, पहले से मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, पहले एडिट मोड आपको ऑन रखना है, उसके बाद मॉड्स पे जाना है, अपडेट अपडेट डॉट RPF,
कॉमन डेटा एंड देन आपको इधर लिखनी चाहिए फाइल मिलेगा एक्सएमएल टेक्स्ट के जगह पे डीएल से लिस्ट डॉट एक्सएमएल पे आपको क्लिक करना है, फिर राइट क्लिक करेंगे एडिट, या फिर आप सीधा कंट्रोल प्लस एंटर दबा के उसको एडिट कर सकते हैं। इधर आपको कुछ ज़्यादा चीज करने का ज़रूरत नहीं है, छेड़छाड़ ना करे तो सही रहेगा। आपको इधर सिंपली एंटर दबा के जो हम रीडमी फाइल से जो कॉपी करेंगे उसको पेस्ट कर देना है, कंट्रोल प्लस सी एंड देन कंट्रोल प्लस। तो अभी ये भी हो चुका है इजीली, फिर आपको सेव पे दबाना है। अभी आपका सब इंस्टॉलेशन हो चुका है विदाउट एनी प्रॉब्लम, तो इसको अभी क्रॉस कर देते हैं। तो अभी हमारे गेम पे दो कार पैक्स इंस्टॉल हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे ग्राफिक्स मॉड इंस्टॉल कर सकते हैं जो नेचुरल विजन है या फिर रीडक्स है, पर मैं आपको कौन सा ग्राफिक्स मोड आपके लिए बेस्ट होगा मैं वो भी आप लोग को बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही गाइस, मैं आपको अभी गेम का फुटेज दिखाता हूँ गेम के अंदर की गाड़ी स्पॉन होने से कैसा था। अभी जो लास्ट थिंग है जो हमको करना है ये सब कार मोड इंस्टॉल करने के लिए, वो हम कुछ ये एक अपडेटेड मतलब मॉडेड गेम कॉन्फिग लिमिटलेस व्हीकल वाली, तो उसको हम लोग डाउनलोड कर लेंगे फटाफट से। GTA5mods.com का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उधर जाकर सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं, और गेम कॉन्फिग का भी आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभी इन सबको क्लोज करके हमको डाउनलोड्स फोल्डर पे जाना है, उधर जाकर गेम कॉन्फिग के जो विनरार फाइल है उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है डेस्कटॉप पे, उसके बाद हमको ओपन आई वी ओपन करना है। अभी विंडोज ब्राउज सेलेक्ट फोल्डर, अभी ये लोड होने में थोड़ा टाइम लेगा, तो फटाफट लोड नहीं होगा कि मैं फोल्डर चेंज किया हूँ GTA5 का। तो कंटिन्यू हो जाते हैं, उसके बाद हमको वेट करना है ओपन आई वी ओपन होने का। तो अभी ओपन आई वी होने के बाद हमको एडिट मोड ऑन करना है। पहले एडिट मोड ऑन करने के बाद आपको मॉड्स फोल्डर में जाना है, उसके बाद अपडेट, उसके बाद अपडेट डॉट आर पी है कॉमन डेटा, उसके बाद नीचे आप लोग को दिखेगा जो XML टेक्स्ट वाले सेक्शन पे गेम कॉन्फिग डॉट XML, इस पर आपको क्लिक करना है। कॉपी करना है इसको डेस्कटॉप में, इसको बैकअप जैसा रखेंगे। अगर अपडेटेड जो मॉडेड गेम कॉन्फिग से अगर काम नहीं हुआ ठीक से तो ये बैकअप रहेगा। तो अब गेम कॉन्फिग को किसी भी फाइल में सेव करके रख सकते हैं, वो थोड़ा इम्पोर्टेंट है। तो अभी हम जो अपडेटेड जो गेम कॉन्फिग है, जो मॉडेड गेम कॉन्फिग है, वो हम ओपन करेंगे। अगर आपके पास पुराने वर्जन है कोई भी, आप उनका भी गेम कॉन्फिग इधर मिल जाएगा। अभी तो मेरे पास लेटेस्ट वर्जन है GTA का, तो अभी आप लोग को ये सब चूज नहीं करना है जो 2x ग्राफिक्स 5x, वो सब बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं आपके गेम, मतलब बहुत लैग होगा आपके गेम में, जो क्रैश होना शुरू हो जाएगा आपका गेम कभी कभी। तो आपको स्टॉक ट्रैफिक में जाके जो गेम कॉन्फिग डॉट XML को सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करके रिप्लेस कर देना है। अभी इसको क्लोज करते हैं और चलिए गेम शुरू करते हैं। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं गेम के अंदर, अभी हम लोग एडम स्पॉनर को अभी खोलेंगे। तो एडम स्पॉनर को खोलने के लिए आपको F5 दबाना पड़ेगा, उसके बाद सर्च व्हीकल्स, और आप देख सकते हैं सारे व्हीकल्स इधर लोड हो चुके हैं, टोटल 101 व्हीकल्स लोड हो चुके हैं। तो हम किसी भी रैंडम व्हीकल को स्पॉन करते हैं। नाइस,
रेडियो का ऑफ करते हैं, कॉपीराइट नहीं चाहिए मुझे। तो आप देख सकते हैं अभी गाड़ी स्पॉन हो चुका है गेम में विदाउट एनी प्रॉब्लम।